देखा आपने। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माफियाओं और अपराधियों में हाहाकार मचा हुआ है। अवैध काम करने वालों की नींद उड़ी हुई है। सख्त कार्रवाई को देखकर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर अवैध काम छोड़ दे रहे हैं। और ऐसे में वाहनों के अवैध कटान को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली मुजफ्फरनगर की चर्चित मार्केट मिलन मार्केट में भी अब मार्केट के कबाड़ियों ने इस धंधे को छोड़ने का मन बना लिया है। मेरठ की सोतीगंज मार्केट की तर्ज पर मुजफ्फरनगर की मिलन मार्केट को भी मिनी सोतीगंज की उपाधि मिली थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के सख्त निर्देश के चलते इस मार्केट पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी थी। कुछ महीनों पहले मिलन मार्केट में मुजफ्फरनगर पुलिस ने जबरदस्त छापेमारी कर भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए इंजन और अन्य सामान बरामद कर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जेल भेजा और उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने इस मार्केट को बंद करा दिया था। अब यहाँ के व्यापारियों और कबाड़ियों ने इस काम को बंद करने का निर्णय लिया। यहाँ के कबाड़ियों का कहना है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, कुछ और काम शुरू कर अपना जीवन यापन करेंगे। तो मिलन मार्केट में बंद होगा कबाड़ का कारोबार, धंधा छोड़ रहे हैं कबाड़ी, और इसलिए चूंकि सख्त कार्रवाई हो रही है योगी सरकार। अब क्या काम शुरू होगा? ये सफाई करा के जो भी करेंगे, नया करें, कुछ भी जोड़ेंगे, मतलब ये काम नहीं होने का। अच्छा, क्या वजह रही? क्यों वजह ये रही कि बंदा जो पीछे है वो यहाँ करना। अच्छा, कि इसमें किस किस की समिति बनी थी? क्या डीएम साहब ने? डीएम साहब की है, एसपी साहब की है, और सभी मतलब चौकी से कोतवाली से सभी अटैच है। साफ सफाई के लिए चल रही है, काम बंद कर चुके हैं, यहाँ काम दूसरा जुड़ेगा। पहले क्या काम होता था? पहले यहाँ का स्क्रैप का काम था, जो गाड़ी खत्म हो जाती थी कागजों से, एक्सीडेंट हो जाती थी, जिनका कोई डिमांड नहीं थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको काट दिया जाता था और उसका जो है फैक्ट्री में माल भेजा जाता था, उसका लोहा सरिया टीन कुछ भी बनता था। अब क्या सोचा है? अब सोचेंगे जी कुछ तो नया काम जोड़ेंगे अपना। किस तरीके का काम सोच रहे हैं? बस जी कपड़ा बनाए या मशीन टेक के सिलाई करे या कुछ अपना कुछ भी करना तो पड़ेगा। पुरानी जो वाहन है उसके खरीद फरोख्त और उसकी कटाई का काम चलता था, और उसके बारे में काफ़ी कंप्लेन भी रहती थी कि यहाँ पे चोरी की गाड़ी का भी कटान होता है। पर अभी इन पे जो इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी अभी लंबित है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और साथ ही बाकी लोगों को बता दिया गया था जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।